फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ पाइथन विद करण। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के आगे सीरीज अपन कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटर क्या होता है। आज के वीडियो में ऑपरेटर्स स्टार्ट कर रहे हैं अपन। आज के वीडियो में देखेंगे एक ऑपरेटर, उसके बाद में हर एक वीडियो में एक एक ऑपरेटर को अपन डिस्कस करते चलेंगे। तो पहले वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। बेसिकली आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं पाइथन के अंदर। तो सबसे पहले मैं इधर लिख लेता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर। आप देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर पाइथन में होते क्या है। तो मैंने आपको जब ऑपरेटर बताया, डेफिनेशन बताई, तो मैंने आपको बताया है कि ऑपरेटर क्या होते हैं। बेसिकली तो ऑपरेटर क्या होता है, कोई भी एक स्पेसिफिक, ऐसा बोल सकते हैं अपन, स्पेशल कैरेक्टर होता है जो कोई स्पेसिफिक टास्क करता है, जैसे कि एडिशन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो एडिशन क्या है, प्लस का सिंबल क्या है, एक स्पेसिफिक सिंबल है जो कि एक प्लस का काम करवाते हैं, एडिशन का काम करवाते हैं। वैसे क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं, जैसे कि कभी अपने को लॉजिकल कंडीशंस होती है, उनको जब चेक करना होता है तो अपन यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल कंडीशंस क्या होती है, जैसे आपको किसी ने बोला कि आप और आपके भाई है, आपको एज कंपेयर करना है कि आपका एज आपके भाई से ज्यादा है, एक कंडीशन ये बनेगी। दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि आपकी एज आपके भाई से कम है। तो ये दो कंडीशन हो गई। जब कंडीशंस के अंदर अपने को चेक करना होता है कि कौन सी कंडीशन सही है, कौन सी कंडीशन गलत है, इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। बेसिकली इसमें अपने पास कम से कम दो कंडीशन होनी चाहिए, तभी अपन लॉजिकल ऑपरेटर लगा सकते हैं। अभी पाइथन की बात करें तो पाइथन में अपने पास पर्टिकुलर कितने ऑपरेटर्स होते हैं लॉजिकल, वो देख लेते हैं। सिंपल से मेरे पास तीन टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में। एक तो होता है एंड, दूसरा होता है और, एंड तीसरा होता है मेरे पास नोट। अब इनको देखते हैं अलग अलग क्या होते हैं। एंड का मतलब क्या है, एंड क्या करता है, अपने पास मिनिमम दो कंडीशंस होंगी, ठीक है। वैसे और के अंदर अपने पास क्या होंगी, मिनिमम दो कंडीशंस होंगी, ठीक है। बट नोट के केस में ऐसा नहीं है, नोट के केस में अपने पास क्या हो सकता है, एक कंडीशन हो सकती है, ठीक है, एक कंडीशन हो सकती है, दो नहीं होंगी। अब क्यों नहीं होंगी वो अपन देख रहे हैं अभी। अब एंड के अंदर मैंने क्या बताया, दो कंडीशंस होंगी, तो कोई भी दो कंडीशन है उसके अंदर चेक करेगा, जब दोनों कंडीशन ट्रू हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब दोनों कंडीशन ट्रू हैं तभी मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, मैंने कहे थे दो कंडीशंस लिखी और दोनों कंडीशंस मेरे पास ट्रू है, यानी कंडीशन ए एंड कंडीशन बी, दोनों कंडीशन अगर मेरे पास ट्रू है तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अभी और देखेंगे आगे, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कहां से आपको रिजल्ट मिलेगा, कहां से आपको रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। इसमें मैंने क्या लिखा, एंड में मैंने लिखा अपने को दो कंडीशंस दी, जब दोनों कंडीशंस अगर ट्रू है तो रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। वैसे मेरे पास जब और की मैं बात करूं तो एक भी कंडीशन, जैसे मेरे पास दो कंडीशन थी उसमें से अगर एक कंडीशन मेरे ट्रू होती है तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। वहीं पर नोट क्या करता है, जितना भी मेरा रिजल्ट था, रिजल्ट को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, यानी रिजल्ट को क्या कर देता है, उल्टा कर देता है। अब इन दोनों को एक बार फिर से समझ लेते हैं, इसके बाद इसका एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने क्या लिखा, एंड के अंदर अपने को दो कंडीशन मिलेंगे, अगर दोनों कंडीशन सही हैं तब मेरा रिजल्ट क्या आता है, ट्रू आता है। अगर एक भी कंडीशन गलत है दो कंडीशन में से, या फिर तीन कंडीशन में से एक भी कंडीशन गलत होती है मेरी, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। वहीं पे और कंडीशन क्या बोलती है, जब मेरे पास दो कंडीशन है और दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है, यानी किसको चेक करता है, सिर्फ ये चेक करता है कि जितनी कंडीशन है उसमें से अगर एक भी आपको ट्रू मिल जाए तो आप रिजल्ट क्या दे दोगे, ट्रू दे दोगे। अदरवाइज मेरा रिजल्ट फॉल्स रहेगा हमेशा, कब, जब मेरे पास एक भी कंडीशन उसमें फॉल्स आ जाती है, फिर दोनों कंडीशन फॉल्स आती है, तब मेरा रिजल्ट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। वहीं पर नोट क्या करते हैं, जैसे मेरा मान लीजिए रिजल्ट एंड कंडीशन में ट्रू आया था, तो नोट क्या कर देगा, उसको रिवर्स कर देगा, जैसे ट्रू आया तो उसको क्या बना देगा, फॉल्स बना देगा। वहीं पर मेरा और के अंदर सपोज करते हैं रिजल्ट क्या आया, फॉल्स आया, तो उसका रिजल्ट नोट क्या बना देगा, मेरा ट्रू बना देगा। अब इसका एग्जांपल अपन यहां पे देख लेते हैं कि एंड में मैंने सपोज करते हैं एक क्वेश्चन मैंने क्या ले लिया, 5 ले लिया, बी इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, 4 ले लिया, ठीक है। अब मैं कंडीशन क्या लगा रहा हूं कि ए इज ग्रेटर देन बी, एक कंडीशन मैंने ये लिखी, बीच में मैंने ऑपरेटर यूज किया क्या, एंड, इसके बाद मैंने क्या लिखा, बी इज ग्रेटर देन ए, एक कंडीशन ये है। सेम कंडीशन मैं और के लिए बना लेता हूं, अब इसको चेक करते हैं, देखिए इसका मतलब क्या है, जो यहां पर लिखा है इसका मतलब क्या है, ए यानी 5 इज ग्रेटर देन 4, और यहां पे क्या है,
फोर इज ग्रेटर देन फाइव। तो पहले मेरे को ये बताइए ये बात सही है या फिर ये बात सही है, सबको बताया ये बात क्या है सही है कि फाइव क्या है फोर से बड़ा है, ये बात क्या है मेरी फॉल्स है कि फोर क्या है फोर फाइव से बड़ा है, ये बात मेरी गलत है ठीक है, ये अपने को पता है। तो अब अपन एंड और ऑर को अप्लाई करके देखते हैं। जैसे मैंने लिखा फाइव इज ग्रेटर देन फोर, तो ये कंडीशन मेरी क्या है ट्रू है, यहाँ पे मैंने लिखा फोर इज ग्रेटर देन फाइव तो ये कंडीशन मेरी क्या है फॉल्स है। तो मैंने क्या बोला था दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी रिजल्ट क्या आएगा ट्रू आएगा, बट यहाँ पे मेरी एक कंडीशन ट्रू है एक कंडीशन फॉल्स है तो एंड लगाकर तो रिजल्ट क्या देगा मेरे पास फॉल्स आ रहा है, क्योंकि दोनों कंडीशन मेरे पास ट्रू नहीं है, एक कंडीशन ट्रू है एक कंडीशन फॉल्स है। वहीं पे जब और के लिए चेक करेंगे तो यही कंडीशन मैंने सेम लिखी है, क्या लिखी है फाइव इज ग्रेटर देन फोर, तो इसकी मैं बात करें तब भी क्या है फाइव इज ग्रेटर देन फोर, फाइव क्या है फोर से बड़ा है, फाइव बड़ा है फोर से, तो ये कंडीशन क्या है ट्रू है। यहाँ पे मैंने लिखा बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब फोर इज ग्रेटर देन फाइव कि फोर है वो फाइव से बड़ा है, बट ये कंडीशन क्या है फॉल्स है। बट मैंने क्या लिखा अगर एक भी कंडीशन अपने को ट्रू मिलती है और के अंदर कोई भी एक कंडीशन मेरे को ट्रू मिलती है तो रिजल्ट मेरे को क्या मिलेगा ट्रू मिलेगा। तो सिंपल सा इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा और एंड का रिजल्ट मेरे पास क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। तो ये तो थे एंड और, अब नोट को देख लेते हैं। सिंपल आपको एंड और समझ में आए होंगे, एंड में मैंने क्या बोला दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तभी रिजल्ट मेरे को क्या मिलेगा ट्रू मिलेगा, अदरवाइज एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो रिजल्ट क्या मिलेगा फॉल्स मिलेगा। वहीं पे और के अंदर क्या होता है जब एक कंडीशन ट्रू है दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो मेरी एक कंडीशन भी अगर ट्रू है तो रिजल्ट मेरे पास क्या जाएगा ट्रू आ जाएगा। अब नोट का एग्जांपल मैं आपको यहां पे समझा देता हूं, जैसे मैंने वही एग्जांपल ले लेते हैं अपन a = 5 b = 4। अब जब मैं प्रिंट करता हूं क्या कि मैंने लिखा नोट a इज ग्रेटर देन b और b इज ग्रेटर देन a, तो इसका मतलब क्या हुआ 5 इज ग्रेटर देन 4 और 4 इज ग्रेटर देन 5, इसके बाहर मैंने क्या लगा दिया नोट ठीक है। तो इसका रिजल्ट कैसे आएगा नोट ऑफ किसका इस कंडीशन का रिजल्ट क्या है मेरे पास कि 5 इज ग्रेटर देन 4, 5 ग्रेटर देन 4 है यानी ट्रू है, ट्रू और फॉल्स में क्या लगता है जब मैंने ऐसा लिखा ट्रू और फॉल्स का रिजल्ट क्या आना चाहिए मेरे पास जब दो में से एक वैल्यू ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा ट्रू आएगा। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने नोट ऑफ ट्रू। अब नोट ऑफ ट्रू का मतलब क्या है कि जो भी रिजल्ट आया उसको क्या कर दे रिवर्स कर दे, तो मेरा रिजल्ट क्या है यहाँ पे बेसिकली ट्रू आया तो ट्रू मतलब नोट ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा यहाँ पे रिजल्ट में फॉल्स, यानी मेरा जो भी रिजल्ट उसको क्या कर देगा रिवर्स कर देगा उसका क्या कर देगा कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो यही होते हैं अपने पास तीन लॉजिकल ऑपरेटर जो कि होते कौन से हैं एंड और एंड नोट, एंड आई होप गाइस आपको ये समझ में आए होंगे आराम से कि एंड और नोट में क्या डिफरेंस होता है और लॉजिकल ऑपरेटर अपने पास कौन से होते हैं पाइथन में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर दोस्तों।